नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन आया है आज। आपने पूछा है कि ख़ुद को एक्सेप्ट कैसे करें। आप कहते हैं कि मैं लालची हूँ, मैं मतलबी हूँ और मैं कामी हूँ, मैं डरपोक भी हूँ, तो ख़ुद को एक्सेप्ट कैसे करूँ? क्या जब मुझे पता चलता है कि मैं कामी हूँ, मतलबी हूँ वगैरह वगैरह, तो क्या ये अपने आप दूर हो जाता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं ख़ुद को एक्सेप्ट करो। आपने आगे लिखा है कि मैंने सुना था कि आप काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार का त्याग करना चाहिए खुद को, पर यह मेरी आवश्यकताएं हैं। मतलब ये काम, मोह, क्रोध, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी आवश्यकताएं हैं आपके हिसाब से। आपके हिसाब से बिना इन सब चीज़ों के हमारी ज़िंदगी निरस और बेस्वाद हो जाएगी। कहीं लाभ आ रहा है तो कहीं लोभ क्यों छोड़ूं? जब लाभ हमको फ़ायदा हो रहा है तो हम लोभ को क्यों छोड़ें? अहंकार न करें तो जी नहीं सकते। क्रोध के ऊपर कुछ कुछ काबू हो सकता है, लेकिन जो मोह है, जो लालच है, उसकी परिभाषा अलग अलग दी जाती है और वो व्यर्थ है परिभाषाएं। काम भोजन की तरह है, मतलब डिज़ायर भोजन की तरह है। क्या एक्सेप्ट करना है खुद को, या बैठकर सोचने से सब कुछ चला जाएगा? अब आगे क्या करें, अपने आप को 100% एक्सेप्ट कैसे करें? एक्सेप्टेंस का यहाँ पर थोड़ा सा गहरा मतलब है, जिस तरह से आप समझे हैं वैसा नहीं है। इमेजिन करिए कि आपके शरीर में कहीं दर्द है, लेट्स से आपको हेडेक है, सर में दर्द है, और आपसे कोई कहता है कि हो सकता है कोई बीमारी हो तो जाके चेक करा के आ जाओ। आप कहते नहीं, छोटी मोटी ऐसी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ देते हैं। लेकिन ये हेडेक कंटिन्यूस चलता रहता है, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना भर। तो बार बार आपके घर वाले आपसे बोलते हैं कि नहीं नहीं जाओ, चेक करा के आ जाओ, डॉक्टर को दिखा के आ जाओ। तो फाइनली आप एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, और तब जाके आप इलाज कराते हैं, जांच कराते हैं। एक और एग्जांपल दे सकते हैं ऐसा ही कि मान लीजिए आपकी गाड़ी है, कार है, बाइक है, उसमें से आवाज़ आ रही है, तो आपको लगता है कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई बंदा जो दूसरा ड्राइवर है या कोई मैकेनिक है, जब वो गाड़ी की आवाज़ सुनता है, कट 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 कुछ आवाज़ सुनता है उसमें से, तो बोलता है सर इसमें कुछ प्रॉब्लम है, आप इसको मैकेनिक को दिखा लीजिए। जब वो प्रॉब्लम काफ़ी दिन तक कंटिन्यू करती है तो जाकर आप मैकेनिक को दिखाते हैं। तो ये है एक्सेप्ट करने का सही मतलब। जब हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर में जो भी चीज़ें हैं उसको हम सीरियसली स्टडी करना चाहते हैं। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते तब तक हम इसको बहुत तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मान लीजिए मेरे अंदर में लालच है या मेरे अंदर में क्रोध है, तो हम मानते हैं कि क्रोध बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सभी क्रोध करते हैं, थोड़ा बहुत लालच तो सभी कर लेते हैं, तो चूंकि जो चीज़ सब लोग करते हैं वही मैं भी कर रहा हूँ, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम होने वाली कौन सी बात है, कौन सी परेशानी की बात है, इसलिए हम उसको बहुत ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान नहीं देते हैं इसका मतलब इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि बहुत सीरियस इशू है। ये है एक्सेप्ट करने का मतलब। एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि मैं, जैसे हमारे यहाँ पेशेंट अक्सर आया करते हैं, उनसे जब मैं पूछता हूँ कि कुछ खास बीमारियाँ हैं, जैसे कि कुछ बीमारियाँ हैं जो कि सिगरेट पीने से या तंबाकू खाने से होता है, जब मैं उनसे बोलता हूँ कि क्या तुम तंबाकू खाते हो, तो बोलते हैं हाँ खाते हैं, अब छोड़ दिया। मैं पूछता हूँ कब छोड़ा, बोलते बस 1 हफ्ते पहले छोड़ दिया। ये एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं होता। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है जब आप सीरियसली अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं। जब आप अपने बारे में बहुत सीरियसली इन्वेस्टिगेट करने की शुरुआत करते हैं, वो है एक्सेप्टेंस। जब एक आदमी किसी जर्नी पे जाता है, छोटी मोटी जर्नी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत लंबी जर्नी की बात कर रहा हूँ, लेट्स से पहाड़ों पे जाता है, एक बड़ी लंबी ट्रैकिंग पर जिसके लिए महीनों लग सकते हैं, तब वो अपने बैग को खोलकर सीरियसली देखना शुरू करता है कि उसमें क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्योंकि लंबी जर्नी है, लंबी यात्रा है। आप घर से बाहर निकलते हैं, गार्डन में घूमने जाते हैं, तो आप सीरियसली कुछ देखते नहीं कि आपके पर्स में कितने पैसे हैं, क्योंकि आपको पता है कि पैसों की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी फटाफट घर पर वापस आ जाऊँगा। लेकिन जब आप एक बहुत लंबी यात्रा पर जाते हैं तो आप हर छोटी से छोटी चीज़ को ध्यान से सीरियसली देख करके उसमें बैग में रखते हैं, ताकि आप को रस्ते में यूज़ कर सकें, आपको किसी चीज़ की दिक्कत ना आए। स्पिरिचुअल रास्ता जो है उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है हमारा आइडेंटिफिकेशन।
हम बहुत सी चीज़ों के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हम करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि हम पहले उसके साथ थे। पिछले कई जन्मों में कई बार कई लोगों के साथ, कई घटनाओं के साथ, कई अलग अलग तरह की सिचुएशंस के साथ हमने टाइम स्पेंड किया है और वो टाइम हमारे लिए एक आइडेंटिफिकेशन बन गया है। और जब उससे थोड़ा सा हम दूर होते हैं तो दिक्कत महसूस होती है। अब मैं इस शक्ल को शीशे में देखता हूँ तो चूंकि इस शक्ल के साथ मैंने काफ़ी साल बिताए हैं, इसलिए कभी भगवान ने करे कुछ शक्ल को हुआ तो हम लोग को दिक्कत होगी अपने एक बिगड़े हुए शक्ल को देख करके। मान लीजिए कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया और चेहरा ख़राब हो गया तो बहुत दिक्कत होगी। एक केवल स्ट्रक्चर शक्ल को चेंज होने से दिक्कत होना शुरू हो जाती है। तो जिसको हम मोह कहते हैं या जिसको हम लालच कहते हैं या जिसको स्वार्थ कहते हैं या जिसको क्रोध कहते हैं, जब आप उसको बहुत सीरियसली, पहले सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मेरे अंदर में प्रॉब्लम्स हैं और हाँ ये प्रॉब्लम्स हैं। जब हम एक्सेप्ट करते हैं, आपकी जिस तरह से आप कह रहे हैं, आपने एक्सेप्ट तो कर लिया है कि मेरे अंदर में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपने ये नहीं एक्सेप्ट किया है कि ये चीज़ें सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। जैसे मैंने कहा ना शुरू शुरू में, मरीज को हेडेक हुआ तो उसने ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि सर में दर्द है, लेकिन जब उसने एक महीना बीता या दो महीना बीता तब जाके ये एक्सेप्ट किया कि ये सीरियस प्रॉब्लम है। दूसरों की छोड़ दीजिए कि आपके आसपास के लोग क्या मानते हैं, कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं, कृष्णमूर्ति की भी सुनना है तो भी इस तरह से सुनिए, आपके अपने नज़रिए से पहले इसको समझने की कोशिश करिए कि ये जो क्रोध है, मोह है, इसको आप अहंकार कह रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, क्या इसमें कोई बहुत बड़ा ख़तरा है कि ये छोटी मोटी बात है? ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी की बात चल रही है। एक टाइम ऐसा आएगा आपकी स्पिरिचुअल रास्ते में जब आपको इस शरीर से जंप करके अपने, जिसको कि आमतौर पर लोग नॉन सेल्फ कहते हैं, इसको जनोगा कहती है मॉलिकुलर बॉडी की स्टेट में जाना, उसके लिए आपको एक टाइम आएगा जब आपको शिफ्ट करना होगा। लेकिन उस समय अगर आप अपने इस शरीर के साथ अलग अलग घटनाओं के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो ये जंप पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने आपसे जनोगा एडवांस में कहा था कि जब भी हम शरीर छोड़ के जाते हैं, इवन स्पिरिचुअल लोग भी जब भी शरीर छोड़ के जाते हैं तो जो बीइंग है, मतलब जैसे हम लोग जब ध्यान नहीं किए होते हैं, अपने स्पिरिचुअल गहराइयों में नहीं जा पाते हैं, तो हमारे लिए बहुत क्लियर मैप नहीं होता कि हम कहाँ जा सकते हैं। जैसे आपने जनोगा एडवांस में सुना होगा कि जनह तपह और सत्यम की जो यूनिवर्सेज हैं वो कैसे हैं, उसका रूपरेखा कैसा है, उसमें रहते कैसे हैं, उस तक जाने का रास्ता क्या है, ये सब चीज़ें बहुत क्लियर नहीं होती हैं। और जब नहीं क्लियर होती हैं तो हम वापस वापस वहीं आ जाते हैं जहाँ से हम निकलते हैं, तो हम फिर से वैसा ही शरीर ले लेते हैं, चाहे वो शरीर दर्द वाला हो, तकलीफ़ वाला हो, चाहे किसी भी तरह का टॉर्चर देता हो शरीर, लेकिन फिर भी हम वापस उसी शरीर में आ जाते हैं। फिलहाल अगर आपको आपका स्वार्थ हेल्प कर रहा है आपके रोज़मर्रा की लाइफ में, पैसे कमाने में, अपनी इच्छाएं पूरा करने में, लाभ कमाने में, प्रॉफिट कमाने में, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये एक लंबी रास्ते का, एक लंबे स्पिरिचुअल जर्नी का मैप नहीं है, क्योंकि लालच से आपको अननोन का या अपने उस सेल्फ का जिसका इस शरीर से और इसके निकलने वाले ट्रोमा से कोई रिलेशनशिप नहीं है, अगर वहाँ तक पहुँचना है तो उसके लिए आपको बहुत सीरियसली देखना होगा कि क्या सचमुच में लोभ, अहंकार, क्रोध जैसी चीज़ें नुकसानदायक हैं। बहुत से पेशेंट्स आते हैं हमारे यहाँ और बहुत से पेशेंट्स को बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते हैं कि वो सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। एक पेशेंट आई थी, उसके गर्भ में एक खास तरह का ट्यूमर था, उसको हम लोग बोलते हैं जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़। वो ट्यूमर एक तरह से प्रेगनेंसी को फेक करता है, जैसे गर्भ में बच्चा बड़ा होता है ठीक ऐसे ही वो ट्यूमर गर्भ के टाइम पर, गर्भ जैसे ही आता है, जैसे माँ के गर्भ में बच्चा आता है वैसे ही टाइम पर आता है, पीरियड्स मिस हो जाता है, और जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है ठीक वैसे ही रेट से वो गर्भ का, एक तरह से उसको हम प्रेगनेंसी ट्यूमर बोलते हैं, क्योंकि जो माँ है उसको यही लगता है कि वो प्रेगनेंसी है, तो बड़े खुश होते हैं घर वाले। और जब भी इस तरह का मैं कोई केस देखता हूँ
जब हम लोग पेशेंट को बताते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं है, ये एक तरह का ट्यूमर है, तो उसके लिए आपको इलाज कराना होगा, तो माएँ एक्सेप्ट नहीं कर पाती, घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर पाते। क्या चीज़ नहीं एक्सेप्ट कर पाते? उनके मन में जो इमेज बनी है कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने से हम गर्भ में किसी चीज़ को पाल रहे हैं, उसके बारे में इतना सोचा है, तो ये कैसे बच्चा नहीं हो सकता, ये कैसे कुछ और हो सकता है? ठीक ऐसे ही है जो आपको कृष्णमूर्ति की बात सुन करके अपने आप को 100% एक्सेप्ट करने के लिए जो मन में इच्छा आई है, इसमें सब कुछ एक साथ एक्सेप्ट नहीं कर सकते आप। घटनाओं को उठाइए, एक एक इंडिविजुअल इंसिडेंसेस को उठाइए। मान लीजिए आपने अपने बच्चे के साथ कोई गुस्से वाला एक इंसिडेंस हो गया, अपने बच्चे के साथ या अपने पिताजी के साथ या अपने ऑफिस में बॉस के साथ, उस घटना को उठाइए और ये एक्सेप्ट करिए कि हाँ, मुझे गुस्सा आया, मैं अपने नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड से, अपने स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड से बहुत ज़्यादा ड्रिफ्ट हो गया। एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को कहूँ ठीक है यार, एक गुस्सा आ गया, अब छोड़ो, जाने दो, ना। बहुत सीरियसली इस चीज़ को स्टडी करिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से, जो मेरा सॉफ्ट स्पॉट है, जो मेरा वल्नरेबल स्पॉट है, नहीं जैसे कहीं चोट लग जाती है और उसको कोई छू लेता है तो बहुत तेज़ गुस्सा आता है, ठीक ऐसे ही कोई ऐसी बात है जिसको मेरे बॉस के साथ बात करते हुए, मेरे बच्चे के साथ बात करते हुए, मेरे वाइफ के साथ या किसी के साथ बात करते हुए जब वो बात आती है तो मुझे बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है, इसका मतलब वो बात आपके कमज़ोरी का या आपके अहंकार का, जो भी चीज़ है आप उसको नाम देना चाहें, आपका वीक स्पॉट है और वो बहुत तेज़ आपका इमोशनल रिएक्शन पैदा कर देता है। और जब आपको पता चलता है कि ये सॉफ्ट स्पॉट है, तब आप बहुत सजग हो जाते हैं। वही मुद्दा है जिसके ऊपर आपको मेडिटेट करना है, वही मुद्दा है जिसको आपको ध्यान करना है, बहुत सीरियसली ध्यान करना है। और ध्यान करने से ख़त्म नहीं होगा, ये जो भी आपका अटैचमेंट है ख़त्म नहीं होगा, उसको समझिए थोड़ा सा। ध्यान करने से आप उसको बहुत दूर से पहचानना सीख लेंगे। जैसे हम लोग ने कहा है जिनों का एडवांस कोर्स में कुछ मेडिटेशन प्रैक्टिसेस हैं, तो उसमें एक मेडिटेशन प्रैक्टिस ये भी है कि आप अपने गुस्से को बहुत दूर से देख सकें। आमतौर पर ऐसा नहीं होता, शुरुआत में ऐसा नहीं होता, शुरुआत में तो जो गुस्सा आ जाता है, गुस्सा चला जाता है, फिर भी हम उसको नहीं देखते, हम बोलते हैं ठीक है यार, एक प्रॉब्लम थी, उस समय गुस्सा आया, गुस्सा चला गया, उसमें इतना सीरियस क्या होना। नहीं, अब आप अपने लिए बहुत सीरियसली एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, अपनी छोटी से छोटी घटनाएँ आप मानते हैं, ठीक है मेरे अंदर में प्रॉब्लम है, और ये भी मानते हैं कि बहुत सीरियस इश्यूज़ हैं, तो आप अपने अंदर में देख करके उसको ट्रैक करते हैं कि कब ये शुरुआत हुई, कौन से पॉइंट से शुरुआत हुई। कृष्णमूर्ति अक्सर कहा करते थे कि कंपैरिजन पॉइजन है, लेकिन हमको ये नहीं पता चलता कि हम खुद ही कंपैरिजन करते हैं। जब वो कंपैरिजन की एकदम शुरुआत की स्टेज होगी, जब आप ध्यान देना शुरू करेंगे अपने ऊपर, अपने सॉफ्ट स्पॉट्स के ऊपर, अपने वल्नरेबल एरियाज के ऊपर जिससे आपको बहुत तेज़ गुस्सा आता है, जब उसके ऊपर ध्यान देंगे तो आपको बहुत दूर से दिखाई दी जाएगा जब वो घटना होने वाली होगी, रैदर देन कहना चाहिए जब वो दुर्घटना होने वाली होगी। और जब आपको बहुत दूर से दिखाई दी जाएगा तो आप उसको साइकोलॉजिकली उस घटना से दूर होते जाएंगे। ये सारी की सारी चीज़ें आपको बेसिकली केवल इंसिडेंसेस से नहीं दूर कर रहा है, आपको इस फिजिकल बॉडी के साथ एक्साइटिंग इम्पल्सेस से बचा रहा है। आमतौर पे हमारी लाइफ में इस तरह की ढेर सारी घटनाएं होती हैं जो हमको गुस्सा दिलाती हैं, जो हमको फ्रस्ट्रेटेड कराती हैं, जो हमको परेशान कराती हैं, जो हमको मिजरेबल बनाती हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते कि वो कैसे हो रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है एक्सेप्ट करने में कि ठीक है, एक्सेप्ट करिए, और ये भी एक्सेप्ट करिए कि मुझे इस पॉइंट को स्टडी करना है। और 100% एक्सेप्ट करने के लिए आपको 100% नहीं एक्सेप्ट कर सकते, आपको 10% या 5% या 1% से शुरुआत करनी पड़ेगी। मतलब कल रात को क्या हुआ था, या परसों क्या हुआ था, या लास्ट अभी बैठ करके सोचिए पिछली बार मैं कब बहुत गुस्से में गुस्सा हो गया था, कब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था, कब मुझे लालच ने बहुत स्ट्रांगली ग्रिप कर लिया था। इसको ध्यान से जैसे कोई जासूस क्राइम सीन को फिर से बार बार इमेजिन करने की कोशिश करता है कि फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर ऐसे ही अपने आप को इमेजिन करने की कोशिश करिए कि मैं कहाँ खड़ा था जिसके साथ मेरी लड़ाई हुई, या जब मुझे डर लगा तो वो आदमी क्या खड़ा था, उसने क्या बोला था, कौन से सेंटेंस थे जिसकी वजह से मुझे ये डर लगा या गुस्सा आया या लालच आया। उसको ट्रेस करना ही आपके लिए फ्रीडम का सोर्स हो सकता है। ट्रेस करने से ही ये ख़त्म हो सकता है।
अपने आप ख़त्म नहीं होता। ये जुनोगा कहती है कि ये जो नेगेटिविटी है ये ऐसा फल है, ऐसा पेड़ है जिसकी रूट्स और शाखाएं बढ़ती जाती हैं दिनों दिन सालों साल तक, जब तक कि हम उसको खुद डी रूट न करें, जब तक कि हम उसको खुद जड़ से निकाल कर ना फेंकें। लेकिन उसके लिए जड़ दिखनी तो चाहिए। ऐसे ही हम छोड़ लें कि ठीक है हमारे कमरे में है कोई पेड़ उग रहा है, तो ख़त्म नहीं होता अपने आप, वो बढ़ते जाता है। उसको हमने फिर अनकॉन्शियस का पार्ट बना दिया। एक्सेप्ट करने का मतलब एक्सेप्टिंग दैट इट इज़ अ सीरियस इशू एंड आई नीड टू एड्रेस इट। थैंक यू सो मच। अपने आप में जुनोगा एडवांस कोर्स बहुत यूनिक कोर्स होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग पतंजलि के योग सूत्र, कृष्णा की भगवद गीता, लाओत्से की ताओ ते चिंग जैसी क्लासिक बुक्स को रिसर्च करके अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करेंगे। आपने बेसिक कोर्स को अच्छे से समझा है, अब एडवांस कोर्स की एक बहुत गहरी यात्रा में हम साथ में चल सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन जुनोगा एडवांस कोर्स। पिछले 20-30 सालों में साइकोलॉजी पूरी तरह से बदल गई है। केवल ये मन की उतार चढ़ाव नहीं है, अब ये डिसीजन मेकिंग को समझने का प्रोसेस है। जिस तरह से फिजिक्स के नियम और कानून दुनिया को रूल करते हैं, ठीक ऐसे ही साइकोलॉजी के ढेर सारे नियम और कानून हमको रूल करते हैं, जो हमको पता ही नहीं है। उसी की वजह से हम ढेर सारी मिस्टेक्स करते हैं, चाहे हम किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हों या छोटे मोटे रोज़मर्रा की डिसीजंस ले रहे हों। तो BDM ज्वाइन करके आप अपनी डिसीजंस को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अगर आपके मन में हल्का सा भी विचार है बिजनेस करने का, और आप अपना पैसा लगाना चाहते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो सबसे पहले अपने ऊपर लगाइए। बिजनेस की होने वाली मिस्टेक्स को पहले रोक दीजिए। ये एक तरह से वैक्सीनेशन होगा आपके लिए। WBX आपको हेल्प करेगा वो सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की सही और गलत स्टेप्स को समझने के लिए। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोर्स है जो आपको हेल्प करेगा अपने बिजनेस को, अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। थैंक यू सो मच।